नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता है, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। इचाक प्रखंड के बोधी बागी जो मैदान है वहां पे सीएम का आगमन हुआ। इनके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे और जो विधायक थे हमारे बड़का गांव के अबरी के और भी वो लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दूं कि 750 से 800 करोड़ एक बड़ी राशि होती है और इन राशियों का जो है वितरण कह सकते हैं आप या प्राकलन राशि आप कह सकते हैं वो हुआ। कुल जो है 334 योजनाओं का शिलान्यास आज हुआ और 536.608 करोड़ प्राकलन राशि इसमें बताई गई है। और अगर उद्घाटन की बात करें तो ये भी एक बड़ा अमाउंट 236.37 अमूमन करोड़ रुपए का इसमें लागत हुआ है। और आपको बता दूं कि 202 योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है, 534 का शिलान्यास हुआ है। और उसके साथ ही आप तस्वीरों में देखेंगे कि बच्चियां जो हैं वो बाइसिकल पा करके काफ़ी खुश नजर आई। जो किसान वर्ग के महिला या पुरुष हैं उन लोगों को 80% जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी के माध्यम से राशि मिली ट्रैक्टर के लिए, केवल 20% ही राशि उनको देने को मिलेगी। इसके बाद आप इस तरफ देखेंगे कि बोलेरो वगैरह भी लोगों को वितरित किया जा रहा है और इसको लेकर के भी लोगों को में काफ़ी खुशी का जो है माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप पहली बार ऐसा लगा जैसे इचाक प्रखंड में सीएम के आगमन के बाद पहली बार सीएम का ही आगमन नहीं हुआ था, बशर्ते कि युवा पीढ़ी से लेकर बच्चे बच्चियों से लेकर यानी कि बालक बालिकाओं से लेकर के और साथ में जो है जो वृद्ध लोग थे वो भी खुश नजर आए, जो प्रौढ़ावस्था के लोग थे वो भी खुश नजर आए। और सीएम का आगमन हुआ और लगभग 750 से 800 करोड़ राशि का जो है शिलान्यास हुआ और उद्घाटन हुआ। इसी के साथ अब तस्वीरों में देखेंगे हजारीबाग अपडेट्स के माध्यम से कि बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने क्या कहा, सीएम ने क्या कहा। तो बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ हैं और बड़का गांव जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र कहलाता है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा आज कार्यक्रम हुआ, तीसरा चरण है, कितना फायदेमंद हो रहा है लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से हर पंचायत में मैं खुद जा रही हूँ अपने क्षेत्र में, लगभग 95% से ज्यादा पंचायत में अटेंड कर चुकी हूँ। और जो उत्साह, जो एक लगता है जैसे मेला लगा हुआ है, जो फेस्टिवल का पूरा माहौल रहता है, सब लोग आते हैं अपने चीज़ों को ढूंढने के लिए कि मेरा चीज़ कहाँ है, किस स्टॉल में मुझे मिलेगा, और लेके जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग सीधा सभी समाज के सामने, हज़ारों लोग के सामने ये हिम्मत करके हम लोग ये पूछ सकते हैं कि कितने लोग हैं जिनका पेंशन नहीं बना है। आज वो नज़ारा देख के इतना संतोष होता है कि जो वादा किए थे या जो समस्या पहली बार अनुभव किए थे राजनीति में आने के बाद, हर घर में जाने के बाद जो हम लोग को जो महसूस होता था, लोग बहुत चिढ़ते थे नेताओं से और विश्वास नहीं करते थे, लोगों का हर चीज़ से विश्वास उठ गया था। हर घर में लगभग समस्या पेंशन का देखने को मिलता था, लोग सीधा मुंह पे बोल देते थे कि हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हम लोग का पेंशन नहीं बना है। और कई लोग बोलते थे कि हम लोग को विश्वास दिलाइए कि पेंशन हम लोग का मिलेगा तो हम लोग वोट देंगे। तो ये विश्वास पूरी तरह से जो पूर्व की सरकारों ने ऐसा काम किया कि लोगों के अंदर विश्वास ही ख़त्म हो गया कि कुछ हो भी सकता है फॉर्म भरने से, लेकिन ये विश्वास हमारी सरकार ने लोगों के अंदर जगाए हैं। आज हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में आप ढूंढ लीजिए टॉर्च लेके, ऐसे कोई भी दादा दादी हो जो 60 साल से ऊपर हो, या कोई भी विधवा माताएं बहनें हो, या कोई भी विकलांग भाई बहन हो, कोई भी अगर पेंशन के अभाव में कोई भटक रहे हैं या किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये मैं आपको खुद चैलेंज करती हूँ कि आप ढूंढ लीजिए। मैं खुद पूछती हूँ पंचायत में तो मुझे नहीं मिलते, और जो मिलते भी हैं एक दो मिलते हैं जो ये उनका आधार कार्ड में उनका एज कम रहता है, तो कभी कभी ये भी समस्या है कि उनको जागरूकता नहीं है तो वो आधार कार्ड में एज कम है, उनका एज ज़्यादा है वो कहते हैं, तो उसको भी तुरंत हम लोग उसको बिना उनको भटकाए हुए, बिना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किए हुए, उन चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। तो वो एक दो भी नहीं होने चाहिए ना? बिल्कुल, क्योंकि वो समस्याएं भी हल हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंज चलिए हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्या 2024 के बिल्कुल आगमन की स्थिति में ये सारी चीजें हुई हैं? तो कई लोगों का ये भी कहना है, विपक्षियों का भी ये कहना है कि अंतिम पड़ाव पे बिल्कुल ये हो रहा है। देखिए, उनको पूछिए कि चलिए हम अंतिम पड़ाव पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं पहले, और ये पहली सरकार आपके द्वार में पेंशन, सर्वजन पेंशन लागू हुआ है, और पहली सरकार आपके द्वार कब हुई आपको पता है, कोरोना के जस्ट बाद हुई, और ये तीसरे चरण पे चल रहा है, ये कोई पहला चरण नहीं है, इसलिए उनका कोई भी आरोप खारिज है। क्योंकि उनका ये कहना, और सरकार ने किसानों को कर्ज़ा माफ़ी योजना के तहत जो कर्ज़ा माफ़ी का अभियान चलाया वो जस्ट कोरोना के टाइम ही चलाया है, और कई चीज़ें जो आम लोगों को राहत देने वाली चीज़ें हैं, 100 यूनिट बिजली माफ़ी योजना हर आम लोगों को,
जो राहत मिल रहा है, एक रुपया भी पूर्व की सरकारों ने ये राहत किसी को नहीं दिया, एक रुपया भी किसानों को राहत नहीं मिला, उनका कर्ज माफ़ी एक रुपया भी कोई सरकार नहीं सोची कि किसान है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते थे, हम लोग पेपर में हर रोज़ पढ़ते थे। और टाइम से बीज मिलना, कई चीज़ों को, कई विसंगतियों को ठीक करने का काम भी सरकार किया। अभी सरकार के पास बहुत चुनौती है क्योंकि झारखंड को खोखला करके छोड़ा है ये विपक्षियों ने, और पता नहीं है अपने समय क्या किए। आपसे ही अगर हम पूछेंगे कि अपने समय क्या किए, तो आपके पास एक लाइन नहीं होगा बोलने के लिए कि ये क्या किए। अभी हमारे तरफ उंगली ज़रूर दिखा रहे, लेकिन इनको अगर आप खुद पूछ ले कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कब हो रही है, डेट इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, आप अपना बताइए कि आप अपने समय में क्या किए। आज हम लोग वैसे बेसहारा लोगों को घर पे तो सम्मान दिला रहे हैं, आज हम लोग बेघर को घर दे रहे हैं, आज रोटी कपड़ा मकान सब सरकार, जो केंद्र सरकार के भरोसे कई राज्य बैठी रहती है, पर हमारी सरकार ने हिम्मत करके हर वो चीज़ में हिम्मत दिखाया। और जो बाकी राज्य ये सब निर्णय लेने में अपने कदम पीछे कर रही है, चाहे ओल्ड पेंशन लागू करने में, पहली जो हमारी राज्य है पूरे देश भर में जो ऐसा ठोस कदम उठाने का निर्णय ली, जिससे दूसरे राज्य प्रेरणा ले रहे हैं इस राज्य से। अगले चरण में भी कुछ ना कुछ सौगात इस तरह के मिलने वाले? बिल्कुल, और ऐसे चुन चुन के जिस तरह का पेंशन का समस्या समाधान हुआ है, उसी तरह से चुन चुन के वैसे बेघर और वैसे जिनका घर जर्जर स्थिति में है, उनको भी आवास दिलाने का काम सरकार करेगी। और हम लोग सब प्रयासरत हैं कि ये हर एक व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है, उस तक सरकार की आंखें और कान जाए। बहुत शुक्रिया। तो बड़कागांव विधायक अंबर प्रसाद हम लोगों के साथ थी, और इसी के साथ जो है बाकी की तस्वीरों में आगे आप देखेंगे कि सीएम हेमंत सोरेन क्या बोलते हैं, और ये जो योजनाओं की तस्वीरें उन लोगों के खुशहाली चेहरे पर है वो भी आप देखेंगे। इसी के साथ इजाजत दें, फिर नई किसी सूचना, किसी खबर, किसी स्टोरी की तरफ लेकर चलूंगी। मैं अपराजिता, शुक्रिया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज इस राज्य में ऐसी स्थिति भी है, हम 18 जिलों में घूमते घूमते कई जिलों में ये खबर आई कि एक घर में एक बुजुर्ग का उम्र 90 साल का, उसको भी पेंशन मिल रहा है, उसकी माँ भी है जिसकी उम्र 70 साल का है, उसको भी पेंशन मिल रहा है, और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, उसका बेटा को भी पेंशन मिलता है।